किनका सरकार आना चाहिए सर? राहुल गांधी के। राहुल गांधी के? हाँ है सर। का अच्छा नेता वो है तो आओ कौन जी, चोर बेईमान और लुचा लफंगा नहीं है ये? मोदी चोर बेईमान है। हाँ तो और की है, चोर बेईमान है तो की है? राहुल गांधी को सब पप्पू बोलता है। और बोलने दीजिए ना भाई, बोलने वाला बोलते रहेगा सबको, तो हमरो भी बोल सकता है, आपको भी बोल सकता है बोलने के लिए। सरकार से आप खुश हैं? हाँ ठीक है। कैसा काम करता था कांग्रेस पहले? बढ़िया है, सब गरीब को देखता था। हाँ रोजगार मिलता था? रोजगार नहीं मिला था, बिन रोजगार के देश चल रहा था। रोजगार था कि पूरा पूरा मतलब आतंकवादी बढ़ रहा था। पूरा आतंकवादी तो कहे ना भारत के ये कर लिया, कि गुलाम हो जाता भारत। हाँ हाँ हुआ था नहीं, 47 के बाद से गुलाम है ना अभी भारत है, मोदी जी उसको छोड़वाए हैं। इस बार भी देखिए इंडिया गठबंधन के पास 239 सीट आ गया है। हाँ क्या लग रहा है कि इंडिया गठबंधन की सरकार आ जाएगी अगला बार में? हाँ अगला बार में बीजेपी साफ साफ, बीजेपी बोल रहे थे 400 पार, अब अबरी हो जाएंगे 100 पार, 100 पार। अच्छा नीतीश कुमार का चेहरा प्रधानमंत्री के रूप में मतलब कुछ कुछ लोग बोल रहे हैं, अब तो ये जाएंगे वहाँ बांस घाट में तब प्रधानमंत्री बनेंगे नीतीश कुमार। हाँ अभी पूरा हीरो बन गए हैं, हीरो बनने एक दो भी उनको मिल गया है उतना कि इधर जाएंगे तभी बाबा उधर जाएंगे तभी नीतीश कुमार कौन लगता है आप? समझिए बगल के अंदर चाचा लाएंगे। हाँ। और क्या कहना चाहते हैं बगल के होने के नाते, क्या चाचा से अपील कर रहे हैं? चाचा से अपील करना चाहते हैं कि जे अभी हाथ में मौका मिला हुआ है, कम से कम बिहार को बढ़िया। के लिए नरेंद्र मोदी क्या किए? कुछ नहीं मोदी जी, कुछ छो ना। अग्नि भी योजना लाए हैं, रेलवे में वैकेंसी दे रहे हैं, नौकरी नौकरी मिल रहा आपको? नहीं नहीं। किसका सरकार ला रहे हैं आप लोग? हम सब आरजेडी का सरकार ला रहे हैं, कांग्रेस का, इंडिया गठबंधन का। एनडीए भाड़ में जाए। मोदी जी भाड़ में जाए। नीतीश कुमार राजगीर काहे लाते हैं? कुमार के बहुत बिका। नीतीश कुमार राजगीर काहे लाते हैं? राजगीर के बहुत बिका, माल पटाने के लिए आते हैं। बर्दाश्त होगा तो माल पटाई ले नीतीश कुमार। कुमार को किधर रखना चाहिए? जिधर उसका मान होना, फिर मोदी जी ने चले जाते हैं, बार बार पड़ जाते हैं, फिर आ जाना चाहिए तेजस्वी देने। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी देखिए सरकार बनने वाली है, एक दो रोज के बाद देखिए शपथ ग्रहण होगा, और इसको लेकर मतलब पूरा पक्ष में विपक्ष में पूरा एकदम मतलब जंग छिड़ा हुआ है। मतलब लोग पीएम के चेहरा में किसे देखना चाह रहे हैं ये हम जनता से जानने का प्रयास करेंगे। ये नीतीश कुमार का गृह जिला है, बिहार शरीफ है, और नीतीश कुमार के घर यहाँ से लगभग 30 किलोमीटर होगा, और इसी रास्ते से वो राजगीर जाते होंगे। तो जनता से हम जानने का प्रयास करेंगे कि जनता के मन में कौन है, इस बार किसको लोग मतलब प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, नीतीश कुमार को या मतलब कि मोदी जी को। देखिए यहाँ पर कुछ लोग आ रहे हैं, इन लोग से हम जानने का प्रयास करेंगे। थोड़ा सा रुकिए सर, इनको प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाह रहे हैं इस बार? प्रधानमंत्री के रूप में अब जो बनेंगे उन्हें कौन देखना है? देखिए यहाँ पर एक चचा आ गए हैं, रुके रुके रुके, किनको मतलब प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाह रहे हैं? तो नरेंद्र मोदी जी को। नरेंद्र मोदी के? तो नीतीश कुमार का चेहरा आ रहा है? नीतीश कुमार का चेहरा कैसे आएगा, बहुमत नहीं तो उनका। नीतीश कुमार खेला कर रहे हैं? कुछ नहीं होगा, वो सब खेला होगा, जेबे नहीं करेंगे। आप नीतीश कुमार को देखना नहीं चाह रहे हैं? नहीं देखना चाह रहे, वो होबे नहीं करेगा, देखना चाह रहे। नालंदा के हैं आप? भी नालंदा के हैं? नीतीश कुमार से खुश नहीं है? उससे क्या होगा, वो जेबे नहीं करेंगे। गेल है वो तो बोल रहे हैं, सभी लोग बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार के प्रधानमंत्री बनाइए। नहीं नहीं वो जय भी नहीं करेंगे सीधी सी बात, बहुमत नहीं तो कैसे जाएंगे। तो गेल है एनडीए में? एनडीए एनडीए में गेल है? नहीं नहीं गेल, एनडीए में तो है ये है, तो एनडीए में गेल है क्या ये एनडीए? किनको भैया, किनको आप लोग प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाह रहे हैं, नीतीश कुमार के नरेंद्र मोदी? नरेंद्र मोदी जी ठीक है, नरेंद्र मोदी जी ठीक है। नीतीश कुमार बोलिए बोलिए नीतीश कुमार। ए भैया जी कुछ लोग हैं और इन लोग से हम जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि मतलब पूरे देश में जंग छिड़ा हुआ है। मतलब अलग अलग पार्टियां दावा कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री के चेहरा हम ला रहे हैं, वो बोल रहे हैं हम ला रहे हैं, मतलब पक्ष और विपक्ष इस बार दोनों मजबूत हैं। क्या कहना चाहते हैं सर, किनको मतलब प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाह रहे हैं? प्रधानमंत्री के रूप में तभी हम नरेंद्र मोदी को ही देखना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी को? नरेंद्र मोदी के काम से खुश हैं? अभी तो खुश हैं। उनका वादा से खुश हैं आप लोग? वादा से तो उतना खुश नहीं है, क्योंकि बेरोजगारी पर कम ध्यान दिए हैं। लेकिन बेरोजगारी पर कम ध्यान दिए हैं, ये सब भी सोचना चाहिए। लेकिन देश के स्तर पर अभी उनका काम ठीक। हाँ ठीक, डिजिटल इंडिया किए हैं? हाँ डिजिटल इंडिया किए हैं, लेकिन मतलब बेरोजगारी के मुद्दा पर बात नहीं की? नहीं बात नहीं की। बहुत सारे लोगों का मांग आ रहा है कि अग्निवीर का जो योजना आया था उसको खत्म करना चाहिए, 4 साल का जो आया था वाला। वो तो उनका अपना सोच है, लेकिन जॉब इतना कम नहीं होना चाहिए, जॉब तो अधिक होना चाहिए। मतलब सांसद भी होता है तो 5 साल के लिए होता है, लेकिन अग्निवीर 4 साल का हो गया। सही बात, तो युवा के लिए मतलब काफी बड़ा मार है। हाँ मार है ये। देखिए इसमें मतलब केसी त्यागी जो है मतलब जदयू की तरफ से मतलब बोल रहे हैं कि इस पर विचार करना चाहिए। ठीक। अच्छा नीतीश कुमार 12 सीट लाए हैं, मतलब अभी पूरे देश में हीरो बने हुए हैं एक तरह से, मतलब उनको चाह रहे हैं एनडीए वाला कि हमको पास आए, एनडीए वाला चाह रहे हैं हमको पास रहे हैं? राजनीतिक पर हम कुछ बोलना नहीं चाहते।
किनका सरकार आना चाहिए सर? राहुल गांधी के। राहुल गांधी के? हाँ सर, अच्छा नेता वो है तो आओ कौन जी, चोर बेईमान और लुचाला फंगा नहीं है ये। मोदी चोर बेईमान है और की है, चोर बेईमान है तो की है। राहुल गांधी को सब पप्पू बोलता है। और बोलने दीजिए ना भाई, बोलने वाला बोलते रहेगा सबको, तो हमरो भी बोल सकता है आपको भी बोल सकता है बोलने के लिए। सरकार से आप खुश हैं? हाँ ठीक है। कैसा काम करता था कांग्रेस पहले? बढ़िया है, सब गरीब को देखता था। हाँ रोजगार मिलता था? रोजगार नहीं मिला था, बिन रोजगार के देश चल रहा था। रोजगार था कि पूरा पूरा मतलब आतंकवादी बढ़ रहा था। पूरा आतंकवादी तो कहे ना भारत के ये कर लिया, बोल रहे थे कि गुलाम हो जाता भारत। हाँ हाँ हुआ था नहीं, 47 के बाद से गुलाम है ना अभी भारत है, मोदी जी उसको छोड़वाए हैं। इस बार भी देखिए इंडिया गठबंधन के पास 239 सीट आ गया है। क्या लग रहा है कि इंडिया गठबंधन की सरकार आ जाएगी अगला बार में? हाँ अगला बार में बीजेपी साफ साफ, बीजेपी बोल रहे थे 400 पार, अब अबरी हो जाएंगे 100 पार। 100 पार? अच्छा नीतीश कुमार का चेहरा प्रधानमंत्री के रूप में मतलब कुछ कुछ लोग बोल रहे हैं। अब तो ये जाएंगे वहाँ बांस घाट में तब प्रधानमंत्री बनेंगे नीतीश कुमार। हाँ अभी पूरा हीरो बन गए हैं। हीरो बनने एक दो भी उनको मिल गया है उतना कि इधर जाएंगे तभी हो बाबा, उधर जाएंगे तभी हो बाबा। के क्षेत्र के ना सर? अरे तो की होगा, क्षेत्र से है तो क्या होगा, जो लगता है कुछ चाहिए। कुछ लोग बोल रहे हैं कि मतलब उनको 3 गो 5 चाहिए, कृषि मंत्री चाहिए, रेल मंत्री चाहिए, वित्त मंत्री चाहिए, और उनका उनका 12 मंत्री बनना चाहिए। हाँ आप लोग नीतीश कुमार से खुश नहीं है? नहीं हम काल खुश रहेंगे, नहीं हम खुश पलटी मार देते हैं। हाँ तो इनका तो काम है। हाँ, क्या बोल रहे हैं सर? बोले पलटू राम, पलटू राम। हाँ युवा के लिए नरेंद्र मोदी क्या किए हैं? कुछ नहीं मोदी जी, कुछ हो ना। अग्नि भी योजना लाए हैं, रेलवे में वैकेंसी दे रहे हैं, नौकरी नौकरी मिल रहा आपको? नहीं नहीं। किसका सरकार ला रहे हैं आप लोग? हम सब RJD का सरकार ला रहे हैं। हाँ? कांग्रेस का, इंडिया गठबंधन का। NDA भाड़ में जाए मोदी जी, भाड़ में जाए। किसका सरकार से आप लोग खुश हैं? किसका सरकार आना चाहिए? तेजस्वी सरकार से। तेजस्वी का, तेजस्वी से काहे उम्मीद है सर आप लोग को? युवा है वो तेजस्वी। हाँ जी, मैंने इंडिया गठबंधन का सरकार आना चाहिए जी। अच्छा मोदी जी से आप लोग कितना मतलब इतना काहे दुखी है? कोई वादा उदा किए मतलब पूरा नहीं किए हैं? महंगाई इतना कर दिए हैं, महंगाई दुनिया भर का। बोले थे मतलब 2 करोड़ रोजगार देने के लिए, रोजगार मिला आप लोग को? नहीं रोजगार नहीं मिला। अच्छा दिन आने के लिए बोले थे, कुछ नहीं आया और बुरा दिन आ गया। हम और बुरा दिन देखे, राम मंदिर बनवा दिए, वो काम तो खैर अच्छा किए। ये तो हार गए, हार गए हैं। हाँ क्या बात कर रहे हैं? हाँ सही में राष्ट्रवादी पार्टी जीता है। मतलब ये साफ साफ जनता कर दी है कि मतलब राम को हम नहीं लाए, राम हमको लाए हैं। मतलब देखिए वो बच्चा की तरह राम भगवान के पकड़ लेते, देखे थे ना फोटो में। मैंने मोदी जी राम को नहीं लाए थे, राम जी मतलब सबको लाए हैं। राम जी तो पहले से हैं, लेकिन मतलब धर्म के आड़ में राजनीति कर रहे हैं, तो जनता बता दी है ना। हाँ। तो आप लोग किसका सरकार ला रहे हैं? हम सब RJD का सरकार, इंडिया गठबंधन का सरकार ला रहे हैं। नीतीश कुमार NDA में गए हैं, मतलब नीतीश कुमार को मतलब रखने के लिए मोदी जी ने पूरा सब शर्त मानने के लिए मजबूर था। आप लोग क्या मतलब नीतीश कुमार से मांग करना चाहिएगा बिहार के लिए? हम सब यही की ना कि डेवलपमेंट बिहार में ज्यादा होना चाहिए बस, और नौकरी मिलना चाहिए बस। और अग्नि भी खत्म होना चाहिए? हाँ होना चाहिए, जैसे पहले था वैसे रहना चाहिए। हाँ अच्छा रेलवे वाले सब प्राइवेट हो रहा है, इस पर क्या कहना चाहते हैं? ये तो गलत बात है, गलत बात है ना? बहुत गलत बात है। मतलब जिस तरह से कांग्रेस में बाली होता था उसी तरह से होना चाहिए। हाँ अच्छा नीतीश कुमार का, नीतीश कुमार आप ही के जिला के हैं, तो उनसे क्या कहना चाहते हैं आप लोग? क्या गाड़ी सुनेगा और कुछ नहीं सुन सकता नीतीश कुमार? हाँ गाड़ी सुन सकता है। अभी तो अच्छा काम कर रहे थे, तेजस्वी यादव के साथ फ्लाइट में गए। कौची बोल नहीं, हम बोल नहीं सकते उसके बारे में, हम बोल नहीं सकते हैं। अरे हम BJP का सपोर्टर है भैया, BJP के। हम कुछ बोलबो तो मारा मारी हो जाते हैं यार। बोलिए तो BJP का कुछ नहीं। देखिए नीतीश कुमार के पंचायत के मतलब अभी हमारे साथ मौजूद हैं, नीतीश कुमार के पंचायत के हैं मतलब ब्राह के हैं, तो क्या कहना चाहते हैं मतलब नीतीश कुमार के बारे में? नीतीश कुमार जंग छिड़ा हुआ है। नीतीश कुमार चाचा हमारे हैं, बगल के हैं, तो उनको प्रणाम करते हैं। आप ही के बगल के हैं? हाँ बगल के हैं। झूठ बोल रहे हैं? हमारे पंचायत के हैं, ऐसा कोई बात नहीं। कौन पंचायत पड़ता है आपका? बड़ा पंचायत। हाँ। कल्याण बिहार बगले में आपका? हाँ कल्याण। घर गए होंगे बगल में? घर बगले है ये, तो घर तो बराबर जाते हैं, तो जाती है ना, ऐसा थोड़े। नीतीश कुमार कौन लगते हैं आपको? समझिए बगल के चाचा लगे। और क्या कहना चाहते हैं बगल के होने के नाते, क्या चाचा से अपील कर रहे हैं? चाचा से अपील करना चाहते हैं कि जे अभी हाथ में मौका मिला हुआ है, कम से कम बिहार को बढ़िया से देखा जाए उनको। हाँ। हाथ में मौका मिला हो तो मोदी जी के सामने हाथ जोड़ रहे हैं, कर रहे हैं। उनको क्या कीजिएगा, थोड़ा सा हो जाता है, वो सब चलते रहता है राजनीतिक में, वो सब कोई बड़ा चीज नहीं है। कुछ लोग क्या लगा रहे हैं, इंडिया के ठंड में शामिल होने वाले हैं।
देखिए अगर चाचा हमारे मन से नहीं देते हैं काम करने के लिए हमारे चाचा को, तो ऐसो तो पार्टी मारवे किए हैं, और देश के लिए अगर अच्छा होगा तो पार्टी मारने में कौन बाबा पार्टी मार चुके हैं, तो एक बार और युवा के लिए अगर मार देंगे तो आप लोग चाहते हैं कि इस बार फिर से पार्टी मारे? हाँ, नौ बार पलटी मारे आप लोग चाहते हैं कि बार मारिए लेते, एक बार से क्या होगा, एक बार और मारना चाहते हैं तो क्या होगा, हो जाएगा कुछ देश अभी कह रहा है कि पलटी मार दीजिए, एकदम मारिए, युवा के भविष्य की बात है वो कोई काम के नहीं कोई काम के नहीं कोई काम के नहीं है, तो मोदी जी से हाथ जोड़ रहे हैं मोदी जी के, वो चाचा है पलटू चाचा नीतीश कुमार पलटू चाचा, एक ही मर्द जहाँ आया जहाँ बदल गया, इसका काम आया बोर्ड मिला पलट गया, जैसे कहता है कि पलटू चाचा वही है वो पलटू चाचा, अगर अगला बोर्ड उसको मिल जाएगा तेजस्वी यादव मिल जाएगा तब पलट जाएगा तुरंत, काम धंधा कुछ नहीं होगा, सरकार बनेगा तो पलट जाएगा, पलट जाएगा तुरंत, जानने उसको मिला घूस उन्हें पलट गया, कोई बिंदास मौका देख रहे हैं, हाँ मौका देख रहा है, मौका देकर छक्का मार देगा, आप लोग को उम्मीद है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी? मोदी आएगा, मोदी आ गया, आ गया मोदी आएगा, हाँ मोदी आ गया, ताजबे करेगा मोदी आए, मोदी के कहा ऐसे बोलते हैं मोदी पर कहा मोदी लवड़ा पकड़ेगा, पागल है यार, रुको नहीं यार मोदी डूबेगा, मोदी आगे गाड़ी घिना नहीं कीजिए, देख लालू यादव के यहाँ राज हो रहता हो ठीक ना, मोदी सरकार यादव के सामने लाठी चार्ज होगा, केरो सरकार आप लोग तो पूरा अपना दिखा दे डायरेक्ट, आप लोग तो पूरा सामने बोल रही हो, यादव के यहाँ चल रहा है चलता हो, लंदा से तो हार गए ना आरजेडी वाला, आएगा भैया पलटू चचा है ना, पलटू चचा है ना, पलटेंगे आ जाएंगे, आ जाएंगे आरजेडी कितना लंबा रहे ना कि राजस्थान। देखिए यहाँ पर कुछ और लोग हैं, कुछ और लोग से हम जानने का प्रयास करेंगे, तेरा हम पूरा मतलब आप लोग मन बना लिए एक बार पलट जाए चचा, पलट युवा के लिए अगर नहीं करेगा मोदी जी तो पलटने में कोई बड़ा चीज है, अगर नहीं तो उम्मीद आप लोगों का खत्म हो गया, खत्म तो हो ले अगर बिहार को विशेष राज के तहत, भाई इस विकास से गोबार कमजोर होता चाहे तेजस्वी यादव कमजोर हो जाएगा, लाठी के जोर पर लाइएगा, लाठी के जोर पर दमाएगा, हाँ संदीप सोरो हार गए कैसे आप लोग जब है थे अरे की बोले मोदिया के चाल न है जाना चेंज न कर दल के हाल, नीतीश कुमार की खबर आ रहा है कि प्रधानमंत्री बनेंगे, तो प्रधानमंत्री बनेगा तो अच्छा लौड़ा बनेगा, वो लौड़ा बनेगा भोसड़ी वाला नहीं, चाचा हां आदरणीय यहां मातो के नहीं चलता, जातिवाद नहीं करना, क्या बोले नीतीश कुमार को हम बाथरूम साफ करवा देंगे उससे, उससे बाथरूम साफ करवा देंगे, दारू बंद हो गया, दारू माधव चौधरी के इनकार जी, उसको इनकम ना है, अच्छा नीतीश कुमार के अगर मौका मिलेगा बिहार को सुधारने के लिए क्या क्या आप लोग मांग कीजिएगा, उसको से लौड़वा मांग कर, किसी का भी सरकार है ऊपर में पढ़ा लिखा इंसान होना चाहिए, योजना ला दी है मोदी जी के युवाओं को एकदम पूरा अथी बना, छोड़िए नहीं सब तो नॉर्मल चीज है, कोई बड़ा हटना चाहिए ना, बहुत हट जरूरी है, चार साल को ये सब बहुत बहुत गलत किया है, मोदी सरकार से आप लोग एकदम दुखी हैं, बहुत दुखी नहीं है, मैंने आप लोग नहीं चाहते थे कि मोदी सरकार आवे, नहीं आप लोग चाहते थे कि कांग्रेस का सरकार आए, जी बिल्कुल चाहिए, अनपढ़ नहीं बिल्कुल चाहिए, मोदी अनपढ़ है, इंटरव्यू दिए हैं मोदी जी को, इंटरव्यू नहीं 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 मोदी जी माल पटाता ना, मोदी जी विदेश में जाके नाम करते हैं जी माल बटाता, नीतीश कुमार राजगीर काहे लाते हैं, कुमार के बहुत बिका, नीतीश कुमार राजगीर काहे लाते हैं, राजगीर के बहुत बिका, माल पटाने के लिए आते हैं, बर्दाश्त होगा तो माल पटेले है नीतीश कुमार, इसी रास्ते से राजगीर जाते होंगे, ऐसे जाते तो रुकवान देते, माधवचोद नीतीश नहीं दीजिए, चुप, नीतीश कुमार दो गो माल लेके आता है, राजगीर में अगर इससे जाएगा पटरी से तो एक मांग लेंगे, भैया क्योंकि भाई लगते हैं हमको, तो भाई लगते हैं? ता छोटा भाई ना है, भाई है उससे बोलते कि एक मलवा हमको दे दीजिए, मगर फोर लाइन में से निकल जाता है ना, राजगीर से राजगीर कहलाते हैं, माल ले बेला, अरे नीतीश कुमार का माल बात करते भैया, क्या बात करते भैया, सर लहर रहे ऐसे जाए नहीं बोलेंगे, अंतिम में क्या कहना चाहेंगे नेताजी, आपके मतलब घर के बगल के हैं तो मतलब क्या अपील कर रहे हैं आप, देखिए नीतीश कुमार अच्छा नेता, बोलिए ना जी नेता, आप भावी विधायक है, अगले बार विधायक के चुनाव लड़ने वाले हैं, पैसे बोल रहे हैं, देखिए नीतीश चाचा बहुत अच्छा नेता है, मोदी जी से खैर अच्छा नेता है, संघर्ष किए हैं, आज जमीनी नेता है चाचा, समझ गए ना, बहुत मेहनत किए तब यहाँ तक आज पहुँचे हैं, आप लोग मतलब मांग कर रहे हैं कि बिहार में मतलब कंपनी ऊपर आए, यहाँ मांग यही है कि विशेष राज की दर्जा मांग लिया जाए मोदी जी से, अब ये मौका है, फिर दोबारा मौका नहीं आएगा, मतलब विशेष राज का दर्जा हो गया, विशेष पैकेज हो गया, यहाँ
बहुत सा फैक्ट्री देना चाहिए, बिहार को कुछ दिया नहीं है। इस मन पर चाचा को बोलना चाहिए आपका, समझ गए ना, यहाँ फैक्ट्री वगैरह देना चाहिए, समझ गए ना। देखिए इधर चाचा हैं, थोड़ा सा इन लोग के मतलब एज के हैं, मतलब नीतीश कुमार बगले के हैं। कहाँ घर हुआ चाचा, बोलिए थोड़ा सा नीतीश कुमार के बारे में क्या कहना चाहते हैं। हमने आप ही लोग के मतलब की बोलती महतो जी ना आखिर आपके गोतिया भाई हैं, समझे अगर महतो जी होंगे तो हम जदिवाद यहाँ पर नहीं करें, लेकिन आप ही के गोतिया भाई हैं। ऐसे मतलब बताइए कि नीतीश कुमार के प्रधानमंत्री बनना चाहिए। अच्छा बोलिए आप ही गोतिया है, समझे है ना, गोतिया उम्मीद है ना, चार महीना में नहीं देखे। विपक्षी बोलता है जंगल राज है, जंगल राज के साथ देखे, 4 लाख 3 लाख दिल के है। विपक्षी बोलता है जंगल राज है, कहाँ जंगल राज है, कहाँ के कहाँ जाके लूट रहा है जंगल राज। 12 महीना रहे को कुछ हुआ था, कुछ हुआ, कुछ हो भी नहीं किया, जंगल राज कैसे चलाया। चलिए इस वीडियो का जहाँ से आज शेयर कीजिए, मैं सुरेंद्र कुमार का सुरेंद्र कुमार जीत गए हैं, क्या कहना चाहते हैं। बहुत अच्छा लग रहा नीतीश कुमार का आदमी है, अच्छा नीतीश कुमार का आदमी है ना, कौशलेंद्र का आदमी है, हमारे गांव के आदमी है। नीतीश कुमार के आदमी हुए, नीतीश कुमार से क्या अपील करना चाहते हैं आप लोग, किधर आना चाहिए, तेजस्वी देने की मोदी देने। देखिए नीतीश कुमार को किधर रहना चाहिए, जिधर उसका मन होना, तेजस्वी देने थे फिर मोदी देने चले जाते हैं, बार बार जाते हैं, फिर आ जाना चाहिए तेजस्वी देने। चलिए इस वीडियो का जहाँ से यहाँ शेयर कीजिए, मैं प्रदुमन यादव, जय हिंद।